आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा, कुछ ख़ास टिप्स दूंगा आपको जिससे आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका वीज़ा 100% लग जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बताऊँगा जो मैंने सीखा है, जो चीज़ें मेरे पास होती हैं मैं आपसे लाजमी शेयर करता हूँ। देखें, आपको तो पता होगा कि हम अक्सर वीडियोस बना चुके हैं कि जिस बंदे का फैमिली मेंबर या दोस्त है आप यूके में नहीं है, वो भी विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूव भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी आप होटल बुकिंग के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास फाइनेंशियली सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, आपके टाइज स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो फैमिली के बिहाफ हो या जॉब के या बिज़नेस के लिहाज से। ये चीज़ें हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सर्च करेंगे यूके विजिट वीज़ा तो आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमने इसके बारे में अपील्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आप उसकी अपील भी किस तरह कर सकते, उसमें चांसेस कितने होते हैं सारा कुछ आपको पता होगा। जिन लोगों ने हमारा फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है उसमें हमारी जो हम लोग अपलोड्स करते हैं हमारे इसमें डेली के 2 से 3 अपील्स अपलोड होती हैं, कभी ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन मिनिमम हमारी इतनी अलहमदिल्ला डेली की भी हो रही हैं। लेकिन हम लोग किसी को एश्योरिटी नहीं देते, हम किसी को गारंटी नहीं देते हमसे आप काम करें तो हमसे काम होगा। हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट है, आप जाके अपना काम करवा सकते हैं। बहरहाल मैं आपकी जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट है यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करना तो आपको पता है हर बंदा कर सकता है, लेकिन कुछ खास टिप्स हैं जब वीज़ा अप्लाई करेंगे। देखें, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या मेरे पास आते हैं तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पहले असेस करूँगा, देखूँगा या इसमें क्या कुछ है, इसमें कोई वीक पॉइंट है या सारा कुछ आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ये नहीं होगा कि एज अ कंसल्टेंट मेरे पास आ गए मेरे वीज़े और मैं कहूँगा जी आ जाएँ हमारी इतनी फीस है 20,000 रुपये आप दें अब केस स्टडी कर दूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले असेस किए जाएँ। इस बात को मानने यकीन करें कि हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करें, उसके लिए भी हम लोगों ने अपने इनिशियल कुछ मामूल से चार्जेस रखे हैं जिसमें हम आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करते हैं, आपको बताते हैं कि आप इस तरह करें ताकि आपके पैसे ज़्यादा से बच जाएं। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, आप हमारे पास आप आगे आप ऐसा कंसिडर मेरा काम क्या होगा, वो टिप क्या है, वो टिप ये है कि आप अपने जो कागजात हैं वो कम से कम लगाएं। देखें, मैंने अक्सर क्लाइंट्स को देखे जो मेरे पास रिफ्यूज़ल आते हैं वो कहते हैं जी कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा पूरा एक पेजेस लगाए, स्कैन कराए वहाँ जाके, तो ये हुआ वो नहीं हुआ, ये स्कैन हुआ ऐसा हो गया। देखें, क्या आपको एक अपने माँ की बात करता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आपको इतना टाइम होगा, अगर गली से आप निकल रहे हैं आपको कोई जाने वाला बंदा मिल के आप उसको 2 से 3 मिनट ज़्यादा टाइम दें, आप कोशिश करेंगे मैं इसे जल्दी मीटिंग ख़त्म करूँ मैं जाकर अपना काम करूँ। सेम थिंग लाइक डैट, जो वीज़ा ऑफिसर है जो पूरे पाकिस्तान में 4 जगह केसेस जमा हो रहे हैं, यूके के कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मीरपुर में, अब हिसाब लगा लेंगे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए 1-1 महीना 15-15 दिन वेट करना पड़ेगा, यानी इतना बिजी है इस वक्त यूके जो वीज़ा सेंटर है उतना उसको टाइम नहीं है। तो क्या वो आपके इतने जो बड़े आपके 50-60 सफ़े असेस करेगा? कभी असेस नहीं करेगा, वो आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उसके फैसला करेगा कि इसको वीज़ा देना है ही देना। जब डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो कहेगा इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो शायद आपको इतना अटेंशन में ना दे सके, वो आपको इग्नोर कर देगा। लिहाजा जब भी वीज़ा अप्लाई करें यूके का तो कोशिश करें कि कागजात कम से कम लगाएं, जितने कम कागजात लगाएंगे जितने मीनिंगफुल लगाएंगे ताकि जल्दी आपकी विंडो क्लोज़ हो सके, ताकि आपको वीज़ा के चांसेस ज़्यादा से क्लोज उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके बने। बात क्लियर है कि वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम होता है। ये टिप है कि आप जब वीज़ा अप्लाई के डॉक्यूमेंट्स कम से कम लगें ताकि आपकी जो वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा से असेस कर सके, वो आपको बता सके आपको वीज़ा देना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जितने कम होंगे उतना आपके वीज़े के चांसेस होंगे, जो मेरी एक अपनी एक सोच है और जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था यूके वीज़ा से रिलेवेंट, अगर यूके का वीज़ा अप्लाई, और बात ये भी बहुत अहम है कि इस वक्त वीज़ा रेशो कैसी है यूके की। देखें, ये कोई नहीं कह सकता कि वीज़ा जैसा हमारे कहूँगा हमारे वीज़े तो अलहमदिल्ला डेली हो रहे हैं या वीकली हो रहे हैं तो मैं कहूँ वीज़ा रेशियो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं, अप्रूव भी होते हैं। वीज़ा ऑफिसर का काम है वीज़ा देना, वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे होगा, आपके कागजात जितने स्ट्रांग होंगे, जितने पोटेंशियल होंगे, जितने क्लियर होंगे उतने आपके चांसेस बनेंगे। अगर आपको मेन चीज़ जो यूके के लिए होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट, सभी जगह का है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी क्लियर होगी, जितनी मीनिंगफुल होगी उतने वीज़े के चांसेस होंगे, जितनी आपकी ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने अकाउंट 1 से ज़्यादा रखें, 1 अकाउंट पर वीज़ा कभी नहीं लगेगा, बहुत रेयर चांस होता है। एटलीस्ट यूके के लिए 2 अकाउंट लाजमी रखें ताकि आपके वीज़े के चांसेज ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस करना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, आपसे बार बार लगा दूंगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।